हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स क्रिएटिव। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं, साड़ी से हम एक अलग तरीका का लहंगा बनाएंगे। जो लहंगा साउथ इंडियन या आंध्र प्रदेश में इस तरह के लहंगा जो है बनाया जाता है टीनेजर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इस तरह का साड़ी चाहिए होगी। कोई भी पैटर्न की आप साड़ी सिल्क में ले सकते हो। ये जो है थोड़ा सा साउथ इंडियन टच है। देखिए इसका वर्क आप देख सकते हो, इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है पूरा साड़ी में, और पल्लू में भी इसके वर्क किया गया हुआ है। आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पल्लू जो है कुछ इस तरीका का है, और पूरे बॉडी में इस तरह का छोटा छोटा बूटा दिया हुआ है। साथ में जो है दोनों साइड हमारा इस तरह का जो है बॉर्डर आएगी। तो हम चाहे तो साड़ी का पल्लू जो है उसको अलग, चाहे नहीं हमको साड़ी का पल्लू जो है इसे हम अलग कर लेंगे। इसको हम ब्लाउज बनाने या स्लीव्स बनाने में यूज़ करेंगे। बाकी जो साड़ी होगी वो हम लहंगा के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का जो है अस्तर के कपड़े लिया है। अस्तर आप ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास अस्तर ना हो तो आप इसके कलर के अकॉर्डिंग कोई कॉटन के साड़ी को आयरन करके भी पुरानी साड़ी को इसमें यूज़ में ला सकते हो। बट मैं यहाँ क्या की हूँ, अस्तर लाई हूँ। देखिए ये 2.5 मीटर की अस्तर है। पूरी 2.5 मीटर जो है हम लहंगा में ही यूज़ करेंगे। ब्लाउज़ के लिए अलग कटिंग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगी। सबसे पहले मैं इसको आपको काटना और सिलना बताऊंगी। इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 फोल्ड में पहले फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3 और 4, ये 4 फोल्ड में जो है हमारा पूरी अस्तर जो है, देखिए इस तरह से मैंने तय लगा लिया है। अब इसे हम इसके लंबा ही सिर्फ नापेंगे, कमर के कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। तो इस लहंगा का जो है ये मैं 12 से 14 साल की जो थोड़ी सी दुबली पतली लड़की होगी, टीनेजर गर्ल है, उसके लिए बना रही हूँ। तो हम इसके लंबाई जो है 31.5 इंच है, तो हम उसी के मेज़रमेंट में ये देख लेंगे। इस तरह से बिछा लेने के बाद फ्रेंड, हम 30 इंच में मार्क किए हैं, क्योंकि हमारा लहंगा जो है 31.5 इंच, समझिए 32 इंच की होगी, सॉरी पॉइंट नहीं, 32 इंच की होगी। तो हम यहाँ जो है 30 पे मार्क किए हैं और इसको हम सीधा काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जो है सीधा कट कर लेंगे। सीधा कट कर लेने के बाद दोनों को अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी से आपका ब्लाउज का जो है अस्तर हमारा निकल आएगी। इतना कपड़ा हमारा जो है बच गई है। ये देखिए, ये है हमारा लंबाई। हम 30 इंच इसीलिए लिए क्योंकि नीचे हम जो है 1 इंच के लगभग इस तरह से एक बार और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फेब्रिक है उससे जो अस्तर का कपड़ा है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इसीलिए हमने इसमें 30 इंच जो है कट किए हैं। तो अब मेन फैब्रिक को चलिए हम कट कर लेते हैं। अभी हम कमर के निशान नहीं लगाएंगे और कमर का कोई मेज़रमेंट लेके कट नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे वो सिलते समय ही मैं बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगी। और यकीन मानिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लहंगा आपके सामने बन के आएगी। देखिए फ्रेंड्स, 4 फोल्ड में अस्तर के जो ऊपर के हिस्सा है उसके आप निशान लगा लीजिए। देखिए 4 फोल्ड में हमारा 20 इंचेस आ रहा है। सेम साड़ी को भी 4 फोल्ड में हमें 20 इंचेस के हिसाब से कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इस साड़ी को कट कर लिए। जैसे हमारा अस्तर है सेम वही तरीका से हमने कट कर लिया है। और अस्तर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि अस्तर थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ रखेंगे और इसको इस तरीका से हमें कट कर लेना है, इस तरीका से।
और ऊपर हम 2 इंच का जो है बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है लहंगा का कटिंग जो है पूरा हो चुका है। अब हम बेल्ट काटेंगे और उसके बाद इसे स्टिच करना बताएंगे। फ्रेंड्स, हम जो बेल्ट जो है हमें 2 फोल्ड में आएगी बेल्ट, तो इसके लिए हमने 5 इंच पे मार्क करना है और हमारा कमर के हिसाब से बेल्ट को कट करना पड़ेगा। तो हमारा कमर जो है 24 इंच है, प्लस हम जो है 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 28 का जो है हम पट्टी जो है कट करेंगे। तो इसके लिए हमें 24 का जो है 24 होने से हमारा 4 फोल्ड में है 6 इंच और तो फ्रेंड्स यहाँ हम 7 पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारा फोल्ड होगी। तो हमारा ये रहा 8 इंच बाई 5 इंच का, 8 बाई 5 इंच का जो है हम बेल्ट जो है कट करेंगे कुछ इस तरीका से। इसे हम कट कर लेंगे। तो ये रही हमारा बेल्ट। फ्रेंड्स, इसके साथ चाहे तो आप अस्तर लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो अब जो इसका स्टिचिंग जो है हम मशीन में चल के आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है मशीन में आ गए हैं। इसको लहंगा को हम कैसे सिलेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अस्तर है उसको हम ले लेंगे और नीचे की साइड जो है एक बारी ऐसा फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा ऐसा फोल्ड करके सीधा जो है स्टिच हम ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है किनारी को जो है फोल्ड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, अस्तर के कपड़ा नीचे और मेन फैब्रिक ऊपर, ऐसा दोनों हम लोग लेंगे। जहां से हमारा प्लीट्स डलेगी और कमर आएगी वहीं तक का हम लेंगे। इस तरह से देखिए, नीचे अस्तर है और ऊपर जो है ये कपड़ा है। अब हमें क्या करना है, हम कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। एक पेपर या आप फ्यूजन पेपर भी ले सकते हो, जो हमारा कमर की नाप है उसी में हमें लेना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो देखिए यहाँ मार्क किया हुआ, ये है इसका सेंटर पॉइंट, इसका भी हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, इसका भी हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंटर पॉइंट तो हमको मिल गया है, इसका सेंटर पॉइंट में भी हम देखिए चौक से मार्क किए हैं। ये दोनों को रख के हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हम एक पिन लगा लेंगे। पिन लगा लेने से आपको समझ में आएगी कि कौन सा जो है पार्ट हमारा सेंटर में आएगी। अभी आप जो है कमर पट्टी ना ही लगाए तो अच्छा होगा। तो देखिए फिर सेंटर में हमने पिन लगा लिए हैं और जो है इस साइड को हमें जो प्लीट्स लेना है, एकदम अस्तर और मेन फैब्रिक को हम बराबर में रखेंगे, यूं रखेंगे पेपर के ऊपर, और थोड़ी सी हमें 1.5 से 2 इंच के करीब जो है हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो है हम इसमें प्लीट्स लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने 1 इंच के करीब जो है प्लेन सिलाई लगाए हैं। सिलने के बाद आप इस पेपर को फेंक सकते हो, इस पेपर का और कोई काम नहीं रहेंगे। दोनों पार्ट को मिलाते हुए बराबर में हमें बड़ी बड़ी जो है प्लीट्स लेनी है इस तरीका से। आप थोड़ा सा प्लीट्स को जो है अपने अकॉर्डिंग लीजिए, थोड़ा सा बड़ा प्लीट्स लेंगे तो इस लहंगा में अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये जो है टिपिकल साउथ इंडियन पैटर्न का जो है लहंगा, एक्चुअली इसे हम लोग लहंगा नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंगा और ब्लाउज, इस तरह का लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। देखिए इस तरह से हमें प्लेट बनाना है और सिलते जाना है। प्लेट्स को आप मेक श्योर कि एक के नीचे एक प्लेट्स जरूर आए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का जो है हमने प्लीट्स इस तरह से लगा लिए हैं। अब जो है हम पिन को हटा लेंगे
और एज इट इज जो है हम दूसरे और भी प्लीट्स लगा लेंगे। लगा के मैं आपको बताती हूँ कि इसको साइड हम कैसे सिलेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से प्लीट्स लगा लिए हैं। अब हमारा इस पेपर का कोई काम नहीं है, चाहे तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हो। सिर्फ हम प्लेट्स को बैठाने के लिए इस पेपर को हमने रखा था। अब जो इस पेपर के नाप से हमने कमर पट्टी कट किए, उसे हमें जोड़ लेना है। साथ में आप इसमें डोरी लगा सकते हो, चैन लगा सकते हो, या फिर आप हुक भी लगा सकते हो, बट हम जो है डोरी ही लगाएंगे, क्योंकि कितने भी आप फिटिंग से सिलाई करो, बच्चों को जो है या तो आप प्लास्टिक लगा सकते हो या अदरवाइज आप डोरी लगा सकते हो, क्योंकि हुक से ना वो फिसल जाती है। तो चलिए हम इसमें पट्टी लगाना खुद बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है 5 इंच की पट्टी काटे थे, उसमें जो है हम सेम अस्तर लगाए, क्योंकि बेल्ट जो है हमारा थोड़ा सा थिक रहेगी तो बहुत अच्छी रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रॉन्ग साइड में लहंगा के जो रॉन्ग साइड है वहाँ इस तरह से हम इसे सेम और साइड में जो है हमने दोनों साइड को सिल लिए हैं, ताकि जब हम एजेस कुछ बाहर नज़र ना आए। तो हम सेम यही जगह से हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इस तरह से बेल्ट को पूरा सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ जो है ये जो फोल्ड है इसको हम यहाँ इस तरह से पैच लगा लेंगे। उससे पहले छोटी सी एक बात बोलना है फ्रेंड्स, जो हमारा ये साइड आएगा वहाँ आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी जगह में आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए पहले, उसके बाद बेल्ट को अटैच करिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 से 3.5 इंच तक का इस तरह से हम थोड़ा सा फोल्ड करके सिल लेंगे दोनों साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है इसका जो है पट्टी सिल लिया है, साथ में हमने देखिए डोरी, सिंपल सा डोरी, और यहाँ फैब्रिक से ही मैं लटकन जैसा बना ली हूँ। अब इसे हम जोड़ना देखते हैं। देखिए इसको इस तरह से हम मिलाएंगे, दोनों जो हमारा साइड्स है उसको यहाँ ऊपर से करते हुए जहाँ से हमने फोल्ड किया था वहाँ से लेके 3 से 4 इंच तक हम चारों को मिला के दोनों अस्तर और दोनों मेन फैब्रिक को मिला के सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को साइड कर देंगे और दोनों मेन फैब्रिक को हम पूरे लास्ट तक का सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को कर लिया। अब मेन फैब्रिक को हम अंदर डालेंगे और अस्तर को जो है यहाँ से दोनों अस्तर को मिला के, मतलब टोटली जो है मेन फैब्रिक को हमें अलग जोड़ना है और अस्तर को हमें अलग जोड़ना है, जोड़ के इस लहंगा को कंप्लीट करेंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स, लहंगा का जो पूरा व्यू ये रहा है आपके सामने है, कितना ब्यूटीफुल लग रही है और एकदम ट्रेडिशनल है, साउथ इंडियन ट्रेडिशनल, क्योंकि साउथ में इस तरह का बॉर्डर हमने साड़ियों में और लहंगा में इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ जाता है। साथ ही में अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए, और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसके जो ब्लाउज़ होगी, जो टॉप होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत सुंदर है, और इस ब्लाउज की जो स्लीव्स होगी उसकी भी एक वीडियो आएगी। तो देखिए, लहंगा का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर क्या करें, आपको अगर प्रॉपर दिखाना होगा तो थोड़ा सा लेंथ हो जाती है वीडियो में। उम्मीद है आप सब एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि आप सब मेरे फ्रेंड्स हो। तो कल नई एक वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।